हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी तक तो आपने मेरी चैलेंज सीरीज देखी होंगी जो मैंने 3 करी है, इसमें 2-1 से है, मैं जीत रहा हूँ। और कोई चीज़ और बताऊँ तो हमारा चीज हुआ उसका स्किड्यूल अलग ही चल रहा है। अलग क्या चल रहा है भाई, ये बंदा होता है 10 बजे नीचे, इसके अपने IPL मैचेस चल रहे हैं, पहले वो खेलेगा, पहले दोस्त आ जाएंगे आधा एक घंटा वो रहेंगे, 10 बजे इसका बेस्ट फ्रेंड आया था, वो तांशु है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड वो आ जाता है। उसके बाद 10 से 11 घर पर खेलते हैं फ्री फायर पबजी पता नहीं, या फिर 11 से 2 बजे तक नीचे खेलते हैं, फिर दोबारा इसका दोस्त आ जाता है, फिर उसके बाद 4 बजे चला जाता है कहाँ शूटिंग करने, 5 बजे सॉरी, उसके बाद फिर आता है 7 बजे, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, उसका ये चल रहा है। तो मेरे लिए जितना पोस्ट करूँगा आपको दिखाऊँगा कि ये लोग करते हैं और ये लोग नकली बॉल भी करते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा दिखाऊँगा ये देखो जरा ये रहा, ये देखो बैठा हुआ भाई क्या कर रहा है, ये फ्री फायर खेलता रहता है ऐसे, और कोई काम नहीं इसमें ना, आपको पता है भाई फ्री फायर काम नहीं आएगी, इसका हॉलीडे होमवर्क इतना पेंडिंग है ना। पर ये कह रहा भैया पहले अपना फ्री फायर खेलेंगे उसके बाद कुछ और करेंगे, कोई नहीं एक ही बार डांट पड़ेगी इसको तब इसको करेगा ये एक ही दिन में। तो अब बन रहे बाकी ब्लॉग में आपको दिखाता रहूँगा, अभी तो ये फ्री फायर खेल रहा है, अभी और कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। देखो अरे भाई मर जाएगा, इतना सीरियस नहीं, ऐसे कर दो कि पैसे लगे नहीं। तो भाई टाइम हो रहा है 4 है ना, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ देख लो, आपको दिख रहा होगा चीकू की है कोचिंग, ठीक है, तो उसकी कोचिंग 4:30 बजे स्टार्ट होती है, तो अभी तो जीजू है नहीं, वो गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तू ही ले जाइए, लेने ना आ जाऊँगा, तो मैंने अपने हाथ पे स्किन्स पहन ले क्यों, ताकि मेरे हाथ काले ना हो, अपने आप देखो अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ही ना, धूप इतनी ज़्यादा है। अब ये रहा देखो चीकू, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा चीकू, ये तो उठा नहीं पाता तो मैं ही उठा रहा हूँ, तो अब जरा मैं इसकी कोचिंग जा रहा हूँ, उसको छोड़ के आता हूँ, फिर घर आऊँगा, फिर आके लाऊंगा, फिर मिलता हूँ, चलो आपसे बन रही है हमारे ब्लॉग में। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस, 35 टेम्परेचर हो रहा है, घर में हम रहते हैं एसी में पंखे में, ठीक है, और एकदम से धूप में निकलने की आदत नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या बताऊँ, बट वो होता है ना हार्ड वर्क डेज ऑफ, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी रिजल्ट आता है, तो इसे कोचिंग पे लेके जा रहे हैं, तो ये कोचिंग करेगा थोड़ा अपने आपको पसीना भाएगा, तभी तो पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये फ़ायदा है कि इसे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसका घर देखो पीछे सोसाइटी है, ठीक है, और इसे मुश्किल से 400-500 मीटर पे है, ठीक है, 35 डिग्री टेम्परेचर सोचो अभी, और सुबह कितना होता होगा कि चल रहा अभी तो खेलेगा तो इसे और गर्मी लगेगी, इससे बड़े नाइट मैच बढ़िया होता है और नाइट की कोचिंग होनी चाहिए, बढ़िया। चलो कोई नहीं, इसको जरा कोचिंग छोड़ कर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई पीछे मैंने आपको दिखाया कि वो लोग अभी कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, और मैं अभी घर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरे को नहाना भी, कहीं जाना भी है, यहाँ पे बास्केटबॉल भी सिखाते हैं, टेनिस भी सिखाते हैं, बैडमिंटन भी सिखाते हैं, प्रॉपर क्रिकेट भी सिखाते हैं एंड फुटबॉल भी सिखाते हैं, प्रॉपर ग्राउंड बना हुआ है, मैं आपको एक बार ही झलक दिखाया था, देखो प्रॉपर पूरा ग्राउंड बना हुआ है, सामने दी गई सोसाइटी, कुछ इस तरीके का प्रॉपर ग्राउंड है स्कूल के अंदर बना हुआ है। तो चलो घर की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइस टाइम हो रहा है 11:15 एंड मैं जस्ट अभी घर आया हूँ, मैं कहीं किसी काम से गया हुआ था तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया, स्विमिंग भी नहीं कर पाया, आपको चीकू से भी नहीं मिलवा पाया, कोचिंग से तो वो आ चुका होगा, किसी पापा ले आया तो शाम में, तो आप देख रहे हो मेरी हालत कैसी, मेरे भाई कुटी से आगे कैसी हालत हो जाती है, तो शाम की चाय भी नहीं पी, आपको पता है कि आपका भाई चाय का कितना प्यार है, तो हम घर जा रहे हैं, कपड़े वपड़े बदलेंगे, थोड़ा फैशन अप होंगे, डिनर करेंगे, चाय पियेंगे, तो एक तरीके से मैं 2 दिन का व्लॉग बना लूंगा, और आज का भी एंड कल का भी, तो आपको 2 दिन का व्लॉग मिल जाएगा जो कि परसों सुबह रह जाएगा, तो व्लॉग में बने रहो। तो यार आपने देखा होगा मेरी आउटफिट बदल चुकी है, मैं जस्ट अभी आया था, मैं किसी काम से गया हुआ था, तो मुझे तो लग रही है भूख, पर आपको जैसे मैं आता कि आपका भाई चाय लवर है, तो सबसे पहले वो चाय बनवा रहे हैं मम्मी से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और बट चीकू पता क्या करने वाला है आपको मैं दिखा दूँ, उसने खाना तो खा लिया, अब ये भाई साहब एक और नई चीज़ करने वाले हैं, वो है कि ये बना रहे, क्या बना रहे भाई, भाई ओरियो कपकेक, अब ये बना रहे हैं ओरियो का कपकेक,
अब देखो क्या क्या आइटम ले रहे हो भैया। ये बेकिंग पाउडर है ना? हाँ, ये बेकिंग पाउडर होता है जिससे कि चीजें में थोड़ा मतलब जो चीजें होती है ना वो क्या हो जाता है बेकिंग पाउडर, थोड़ा बताएगा अपने ऑडियंस को? मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं जैसा मीनू डालते हैं ना फर्मेटाइजेशन के लिए, वही चीज कर रहे हैं। सॉरी मेरा वर्ड गलत हो सकता है पर आप इग्नोर करना। ये रहा ओरियो, ये रहा बेकिंग पाउडर। अब ये पता नहीं क्या करने वाला है, क्या बनाने वाला है तू? बना क्या रहा है? कपकेक? ओरियो कपकेक। ये ओरियो कपकेक बनाने वाला है, तो देखते हैं किस तरीके से बनाने वाला है। तो आप स्टार्ट करिए तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा बीच में। हाँ, दूध भी चाहिए? अच्छा दूध भी चाहिए, तो मम्मी इसकी हेल्प करेंगी। ये रहा दूध बाहर है। तो देखो इसकी हरकतें कभी खत्म नहीं हो सकती। चीकू एंड हिज थिंग्स आर नेवर एंडिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। देखो मम्मी ये देखो बस। ओए होए होए होए, ये जो जेल में मिलता है। अरे 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 भैया जी, चलो इसे खोलने देते फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो डल गए ओरियो। अरे भैया दो तीन चार, अबे कितना मीठा बनेगा ये? चार पीस बनते हैं। अच्छा, चार पीस तो चाहिए होते हैं। अच्छा अब डलेगा दूध। देख रहे हो, ये चीज तो मैंने भी कभी लाइफ में नहीं बनाई जो ये बना रहा है। पता नहीं मम्मी अभी तो इसी को पता क्या कर रहे हैं। भाई अब क्या करने वाले हो? अबे देखो ये ले लिया इसने फोक, अब ये मिक्स कर रहा है। तो चलो इसको बनाने देते हैं, उसके बाद अभी बनकर रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का निकलने वाला है। ये पूरा घुल चुका है, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट घुल चुका है, आप देख सकते हो कि छोटा छोटा ही बचा है बस। डाल दिया, अब ये बेकिंग पाउडर डालने वाला है, जल्दी से डालेगा। अब ये बना ले फिर ही मैं आपको दिखाऊंगा पूरी फिनिशिंग। एक्सपेरिमेंट हो चुका है चीकू का, तो कुछ इस तरीके का निकल कर आया ये चीकू का कप केक। अब मुझे नहीं पता खाने में कैसा होगा, वो तो चीकू खाएगा वही खाएगा, मैं तो खाता नहीं ये सब चीजें। तुझे क्या लगता है कैसा हो सकता है? 10 में से देखते हैं कितना नंबर देता अपने ही कप केक को, फिर मैं आपको बताऊंगा। हे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 12:15, मैं उठ गया था 11 बजे, फिर ब्रेकफास्ट करा, फ्रेशन अप हुआ, नहाया नहीं हूँ क्योंकि बाइक पे जाता हूँ चीजों के साथ, तो फिर आता हूँ तो नहाने का फ़ायदा नहीं, आके स्विमिंग जाता हूँ उसके बाद फिर नहाता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ चीजों के साथ, आपको शाम को चीकू मिलूंगा। चीकू है नहीं, वो बंदा 10 बजे चला जाता है, उसका दोस्त आया था तांशु नहीं बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ निकल लेता है, तो क्या कर सकते हैं। तो जब आएगा, और हाँ एक और चीज़, कल उसने जो कपकेक बनाया था ना, पहले 10 में से 8 नंबर देता, नकली नंबर दे रहा था, बाद में फेंक दी, इतना बेकार बनाया था उसने अपना वो कपकेक। सोचो कह रहा मीठा कम है, 5 बिस्किट डालने का बंदा कह रहा मीठा कम है, बहुत ही मीठा आता है। बाकी आएगा तो मैं आपसे उसको और रिव्यू दिलवाऊंगा। तो अभी जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ बाद में, तब तक अपना ध्यान रखना एंड ब्लॉग को स्किप बिल्कुल मत करना। बाकी जो भी चीज़ होंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। 5 बजने में अभी भी 5 मिनट है, लगता है हम सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से होंगे। ये देखो ये कैब थी मेरी जो 100 रुपये वाली थी, अभी तक चल रही है और इसकी 300 वाली वेस्ट हो गई। ये तो जाके टी शर्ट तो उतारे देंगे, बाकी नीचे क्लिक कर पहनी हुई अपनी, तो बस। या देखो मुझे प्रॉपर स्विमिंग तो आती नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी मस्ती के लिए जाता हूँ। हाँ थोड़ी बहुत स्विमिंग में जाके, अंदर स्विमिंग पूल में जाके थोड़ी बहुत जो है वो सीख लिए, बाकी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा, क्योंकि वहाँ फ़ोन तो जाओ मतलब फ़ोन तो ऑब्वियसली मैं नहीं चलाऊँगा, गीला हो जाएगा खामा का, तो इसलिए बाकी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा किस तरीके का हमारा स्विमिंग पूल है। ये देखो ये चल पड़ा हमारा चीकू, ये देखो आती भी है। 10 में से 1 नंबर भी नहीं दूंगा मैं तेरे तेरी स्विमिंग को, आ वहां तक जा। तो देखो जरा इसको, चल मैं देता हूँ तेरे को 10 में से 3 नंबर दे रहा हूँ मैं। 10 में पानी कैसे है, गर्म है ठंडे है, बता दो पानी कैसे है। चल आ रहा हूँ, चलो मैं भी होकर आता हूँ। गाइस यार सॉरी मैं सुबह के बाद ब्लॉग नहीं बना पाया, एक्चुअली मैं जी जगह ही गया हुआ था, ठीक है। मैं अराउंड 7 बजे आया, उसके बाद मैं चला गया स्विमिंग करने, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, चीकू भी स्विमिंग कर रहा था, ठीक है, एंड जीजू भी कर रहा, जीजू तो अभी तक स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है।
अभी आपको मैं चीकू से मिलवा दूं। देखो जरा चीकू हमारा, चीकू कल के तू अपनी रेटिंग बता दे एक बार ऑडियंस को कितने दी, तूने 10 में से 8 दी थी, और क्या तूने फेंक दिया था ना, मतलब इतना बेकार बना था कि इस बंदे ने फेंक दिया। अबे मम्मी जरा आइसक्रीम लेने गेम खेलने के बाद, और मैं जा रहा हूँ जरा दोस्त से मिलने, तो मैं आपसे मिलता हूँ डिनर पे सीधा। गाइस टाइम हो रहा है 11:50 एंड मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही आया हूँ, एंड आप देख रहे हो मैं बाल बाल गीले लाने आते हैं, फेस वॉश करा बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी और थी मुँह पे, और देखो ये क्या कर रहा है, तो भैया क्या कर रहे हो, ये देखो भैया इसको जला दूंगा पतली कमरिया भैया। तो आप देखो किस तरीके की हरकतें करता है हमारा चीकू। अब देखो यार इसके लिए तो आप लाइक कर सकते हो भाई, फ्री में होता है, फ्री में सब्सक्राइब भी फ्री में होता है, पैसे नहीं लगते यार, देख तो लेते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, भाई को सपोर्ट मिलेगा, आप लोग हमें लाइक शेयर कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए बड़े से बड़े वीडियो बनाने की। अब भाई ने जो केक बनाया था वो तो बिल्कुल बेकार था, इस बटन को दबा देना। हाँ भाई दबाओ 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 दबाओ, इस बटन को दबाना करो भैया, ये देखो भाई ने कर दिया, आपको भी यही करना है। तो यार आज का डिनर में हमारा था आलू मटर, ठीक है, तो अभी हम कर लेंगे, ये कर चुका है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, चैनल पर नए आ तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट चैलेंज है, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।